नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक देशद्रोही दूसरे देशद्रोही को सलाम कर रहा है अशोक वानखेड़े जी। देशद्रोही नंबर वन आप और नंबर टू हम, इसलिए क्योंकि हम अडानी के खिलाफ बोलते हैं और एक बेहद पॉपुलर चैनल ने बाकायदा, और गोदी मीडिया के चैनल ये करते तो शायद हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा चैनल जो खुद को सच की आवाज की तरह पेश करता रहा है, जनता की आवाज की तरह पेश करता रहा है, उसने बाकायदा ऑन स्क्रीन ऐसे लोगों को देशद्रोही बोला है जो अडानी का विरोध करते हैं। पहली बात तो ये कि अशोक वानखेड़े की एक इंच जमीन अडानी ने नहीं दबाई है, और अशोक पांडे के पास एक इंच जमीन है नहीं। ठीक है, तो हमारी जमीनें तो दबाई नहीं है अडानी ने, हमारे पॉकेट से पैसा नहीं निकाला है, शेयर मार्केट में मैं चवन्नी लगाता नहीं हूं इसलिए मेरा डूबा नहीं है, तो मेरे लिए पर्सनल या अशोक जी के लिए या अभिसार शर्मा के लिए या रवीश के लिए या तमाम ऐसे लोगों के लिए पर्सनली कोई दुश्मनी अडानी से है नहीं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो या यहाँ पर माधवी बुच का मामला हो, जो पब्लिक में है, हम उसी पर बात करते हैं, और वहां नजर आता है कि कैसे चीजें अडानी के हाथ में जा रही हैं। कीनिया के लोग भी देशद्रोही हो सकते हैं, क्योंकि कीनिया में जो अडानी का इन्वेस्टमेंट है वहां का विरोध सड़क पर आकर हो रहा है। नॉर्मली हम एक दूसरे के यूट्यूब चैनल पर बात नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब पब्लिकली आपने यह आरोप लगाया है तो आपको सुनना पड़ेगा, हम भी सुनाएंगे और असलियत जनता को बताएंगे, नंबर वन। दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बहुत मजेदार हो रहा है। अशोक चौहान जी के जो बहनोई हैं, पूर्व सांसद भी हैं, भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और उनकी बहन मीनल पाटिल खलगांवकर भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। यानी रिवर्स माइग्रेशन, हम लोग इकोनॉमिक्स में अशोक जी पढ़ते थे रिवर्स माइग्रेशन, कि एक शहर से गांव में होता, गांव से शहर में होता है, और कोविड वाले टाइम में शहर से गांव में शुरू हो गया, तो ये रिवर्स माइग्रेशन वहां पर हो रहा है। और हरियाणा में अचानक भारतीय जनता पार्टी को शैलजा, जो कांग्रेस की शानदार नेता हैं, हम सब उनका बेहद सम्मान करते हैं, उनके लिए अचानक प्रेम उमड़ आया है। मैं तो कह रहा हूं कि मतलब घोषित कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि चाहे कोई भी जीते, हम शैलजा जी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पूर्ण समर्थन देंगे, अभी से लिख के अपने फॉर्मल जो उनका लेटर हेड होता है उस पर चिपका देना चाहिए अपने कार्यालय के बाहर। पिछले 20 साल की राजनीति में शैलजा जी के ऊपर कितने हमले किए हैं बीजेपी के लोगों ने, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अचानक प्रेम उमड़ आया है हरियाणा में, और हरियाणा में भी एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। मनोहर लाल खट्टर के जो भतीजे हैं वो कांग्रेस में आ गए हैं, ये आज की खास खबरें हैं। और इसके बाद बिना किसी सवाल जो दूसरे हमारे ये हैं, डबल ए के पहले ये वही हैं, दूसरा ये मैं हूँ, अशोक वानखेड़े जी आपकी तरफ माइक। जी, जी। प्रणाम भाई साहब, ऐसा नहीं है, आप भी कम से कम आगे पीछे वाला ए नहीं है, बराबरी से ए है, बराबरी से है, वही मैं भी कहने वाला था, बिल्कुल। सबसे पहले हम आखिर में जाएंगे देशद्रोही पे, राष्ट्रद्रोही पे, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो आपने बताया, जय महाराष्ट्र। देखिए, अशोक चौहान जब गए बीजेपी तो वो मजबूरी में गए, एजेंसियों के प्रकोप से गए। वो पहला शख्स था जिसने बीजेपी में जाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस ऐसा करती है, उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत निर्णय है, मैंने लिया, वो चुप से रहे। उसके बाद जब जाने के पहले वो राहुल गांधी से मिले दस जनपद पर, फूट फूट के रोए, उन्होंने अपने पिता और अपने परिवार की कांग्रेस के साथ संबंधों की बड़ी फिरिश्त बताई, और फिर कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं हेल्थ सूट नहीं करेगी कि मैं जेल में, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो इसके लिए मेरी मजबूरी है, मुझे जाना। वो गए, उनको राज्यसभा दी गई, लेकिन बाद में आधे मन से यदि आप किसी को लोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है यह बीजेपी को समझ में आएगा, कि नांदेड़ जो सीट, जो घर है अशोक चौहान का, शंकरराव चौहान की कर्मभूमि है, वहां 2019 में बीजेपी के सांसद चुनाव जीते, अशोक चौहान चुनाव हारे। इस बार बीजेपी को लगा हालत पतली है, अशोक को भी साथ में मिला लेंगे तो अपनी तो सीट निकल ही जाएगी। मैं आपको कहता हूं कि शायद वो सीट बीजेपी की निकल जाती है यदि अशोक चौहान को नहीं लेते। अशोक चौहान को लेने से जो हाथ में था वो भी चला गया, मतलब नीचे की चौवन्नी उठाने के लिए आपने पॉकेट से रुपया गिरा दिया नीचे, वो सीट भी चली गई। अशोक चौहान जहां से विधानसभा लड़ते थे, जहां से विधायक थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह से हारे। अशोक चौहान का कोई उपयोग नहीं, जिसको ये डीलर बोलते थे, लीडर नहीं डीलर है, उस डीलर को
इस सीआरडीएफ एजेंसी वालों ने अपना डीलर नियुक्त किया। वो वीडियो भी आया था अशोक जी, वो एक वीडियो आया था जब मोदी जी को बार बार वो नमस्कार करने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी उनको इग्नोर कर रहे थे। क्या है, मोदी जी को बहुत लेट समझ में आ गया कि ये जो मैं उठा के लाया हूँ फूका हुआ कारतूस है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी राज्यसभा है तो नमस्कार का जवाब भी नहीं दे रहे थे उसको, सारा देश ने देखा कितना अपमानित हुआ। वैसे ही मतदाता उनको छोड़ के चले गए, तो उनके बहनों ही हो या बहन जो शंकरराव चौहान की विरासत लिए हुए थे वो फिर वापस कांग्रेस में आ गए और वो कांग्रेस में अब शायद टिकट अशोक चौहान के सामने ही टिकट दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा रिवर्स माइग्रेशन, पारिवारिक लड़ाइयां बन रही हैं, पारिवारिक लड़ाई होगी। देखिए महाराष्ट्र में एक आध बार अशोक जी जब सर चुनाव खत्म होने दीजिए महाराष्ट्र के, फिर हर जिले में कैसे परिवार बने हैं हर राजकीय दल का, मतलब देवेंद्र फडणवीस से खुद ही विरासत में लेके आए हैं, ये भी परिवारवाद का प्रोडक्ट है। कांग्रेस और एनसीपी में तो परिवारवाद की प्रोडक्ट की पूरी झड़ी लगी हुई है। हर जिले में एक परिवार है जो सामंत बना के रखा है और वही लगातार चुनाव में रहते हैं, उनके दादा उनके पोते से लेके सब एक ही लाइन से, और अभी जो बच्चा है वो कार्य सम्राट करके अपने पोस्टर लगाता है। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है ये बीजेपी से हो रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। दूसरा एक उम्मीदवार बहुत ताकतवर था कागल में, घाड़गे ब्लू आइड बॉय था देवेंद्र फडणवीस का, अच्छा वो शरद पवार के साथ चले गए। वो भी खबर है बहुत पहले जो कांग्रेस से तोड़ के शरद पवार से तोड़ के लोग जो बीजेपी में लाए वो वापस जा रहे हैं शरद पवार के पास। हर आदमी शरद पवार के बस में बैठने को तैयार है और पवार साहब बहुत सिलेक्टेड लोगों को, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे बस में सब बैठेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, इन्हीं सिलेक्ट लोगों को लेके अपने पास रह रहे, बाकी लोग बस स्टॉप पे अगले 5 साल का इंतजार करेंगे, ये बात नक्की है। सीट बेल्ट लग रहा है बांध के बिठा रहे, उतरने का चांस नहीं है, बिठा रहे ना यहाँ। दूसरी बात है कि जो अजित पवार का पूरा कुनबा है वो इस बात से आशंकित है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि जो उनको एक आभा निर्माण की गई थी, एक आभास उनको हो रहा था कि शरद पवार कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है अजित पवार है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने बता दिया जो कुछ भी है शरद पवार है, अजित पवार कुछ भी नहीं। तो फिर अजित पवार जो अपने पत्नी को अपने गृह क्षेत्र में नहीं चुनाव जीतवा पाया, यहां तक कि बारामती विधानसभा में भी 40 से 48 हजार की लीड ले गई सुप्रिया जी, ये बहुत उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी। तो हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे तो फिर शरद जी के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। और दो बातें अशोक जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इतने साल का, दो नेता है इस देश में जो जितवाने की गारंटी तो नहीं ले सकते लेकिन यदि पीछे पड़ गए तो आपको हरवाने के लिए सकते हैं, उनमें एक का नाम शरद पवार है और एक का नाम दिग्विजय सिंह। ये दो विधा में इतने माहिर है इसलिए इससे दुश्मनी लोग सोच समझ के करते हैं। अब जो अजित पवार का कुनबा है वो इसीलिए टेंशन में है कि अब क्या करे, अब इतना ही बोलते हैं कि हम तो साहब को पिता समान मानते हैं, बताइए हमारे खिलाफ ही तगड़ा उम्मीदवार उतार दिया है, बताइए साहब हमसे क्या गलती हो गई। अरे गलती क्या होगी, पिता समान मानते हो तो उस पिता को घर के बाहर छोड़ निकाल दिया आपने। अशोक जी जब ये अलग हुए थे अजित पवार, उस समय उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में गया था, पुणे गया था, पुणे से फिर एक जगह में छुट्टियां मनाने के लिए गया था, तो हाईवे काफी जर्नी की और उस पे अजित पवार के ढेरों पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, आपके महाराष्ट्र में बहुत शानदार बैनर लगते हैं, एक बैनर ऐसा नहीं मिला जिसमें शरद पवार जी की फोटो ना हो, ये मैं बात कर रहा हूँ जब अलग हुए थे। हाँ देखिए शरद पवार को कहना पड़ा कि मेरा फोटो आप यूज नहीं करेंगे, बाल ठाकरे साहब को कहना पड़ा राज ठाकरे को कि मेरा फोटो आप यूज नहीं करेंगे। अब उद्धव ठाकरे रोज कहते हैं एकनाथ शिंदे को कि आप बाला साहब का फोटो क्यों यूज करते हैं, वो कहते हैं कि बाला साहब के हिंदुत्व को हम जिंदा रखे हैं, आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके बाला साहब के हिंदुत्व को खराब कर दिया। अब वो 2.5 साल ये मरीदा खाते रहे मंत्री पद का, तब इनको शर्म नहीं आई और जैसे मुख्यमंत्री बने फिर अजित पवार को अपने कुनबे में लेके आए। अब बाला साहब का हिंदुत्व कहां गया,
ये सब शोबाजी होती है सत्ता का मक्खन खाने के लिए, मेंढक समान इधर से उधर लोग घूमते रहते। तो ये असलियत महाराष्ट्र की है। तो इसलिए रिवर्स माइग्रेशन अब पीक पे है महाराष्ट्र में। अब टाइम आ गया बीजेपी को अपना कुनबा संभालने के लिए, जो संभले नहीं संभल रहा है। तो महाराष्ट्र में जब तक चुनाव घोषित होंगे आपको बड़ी लिस्ट मिलेगी इधर से उधर उधर से इधर, क्योंकि आज जो भी मिलता है, एक खुद मतलब एक विधायक को हमने पूछा, सिटिंग विधायक था, मैंने लगा क्या लगता है, तो बोले पहले तो ये सोचेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी किसको छूटती है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको एनडीए से लड़ना है या इंडिया से लड़ना है। और हमारा प्रयास हमको जगह मिलती भी कि नहीं मिलती है। तो मैं खूब हंसा, बोले यहाँ पे तो अभी यही तय नहीं भाई साहब, हम किधर से लड़े। वाह। बोले मैंने बोला मैं इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ हूँ भाई, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। पता पड़ा ये सीट एनसीपी को चली गई, अजीत पवार को। तो फिर मैं शहीद। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या सीट कैसी किसको जाती है, उस हिसाब से फिर मैं कूदूंगा इधर उधर। ये अभी वर्तमान में स्थिति है। तो ये माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन का मजा आपको लेना है तो अभी आप देखते रहिए, महाराष्ट्र आपको रोज नई खबर देगा रिवर्स माइग्रेशन। अच्छा, यहाँ आ रहा है कि महाराष्ट्र में इन लोगों का, कांग्रेस वाला जो महाविकास आघाड़ी है, उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 288 में 100-100 सीटें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पास हैं, और बाकी 84 पे शरद पवार और 4 सीटें सहयोगियों के लिए। ये सच्चाई है या बस खबर चल रही है? नहीं नहीं, खबर चल रही है, खबर चल रही है, खबर। देखिए स्ट्राइक रेट शरद पवार जी का ठीक है, और शरद पवार जी ने एक बात तय कर ली कि यहाँ कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं, सीट जीतने का फॉर्मूला पहले देखा जाएगा। यस, यही होना भी चाहिए, तब सीट देनी पड़ेगी। जो सांगली की गलती दोहराई नहीं जाएगी, ये शरद पवार जी ने तय कर लिया है। और एक बात है अशोक जी, चाहे ये राज्य के नेता कुछ भी कहे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में होगा वही जो शरद पवार चाहेंगे। यस, ना उनको उद्धव कुछ बोल सकते हैं, ना महाराष्ट्र की तो नेता तो कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं शरद जी को। और शरद पवार दिल्ली में आके कांग्रेस वालों को बिल्कुल समझा समझा के चले जाते हैं, और कांग्रेस वाले सुनते भी। उसका नतीजा बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई, ये पूरी रणनीति शरद पवार की थी। बिल्कुल, और एक जगह सांगली किसी की वो हैसियत, एक जगह किसी की वो हैसियत है भी नहीं, आप शरद पवार को चाहे जो चाहे कहो कहो। तो नहीं, हम इनको राजनीतिक कौशल की बात कर रहे हैं भाई, जब भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उसमें भी बात होगी। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक कौशल जो है, दांव पेच जो खेलना है, वो शरद पवार, ये बारामती का पहलवान जो है ना, वो किसी के हाथ में नहीं आता। और इस उम्र में भी एक एक सीट चिन्हित करके वो आदमी काम कर रहा है। रादर कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई उद्धव जी को क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, बोला शरद पवार इस उम्र में भी लगातार दौरे कर रहे हैं, उद्धव जी दौरे नहीं कर रहे हैं। मैंने शरद पवार के दौरे दिख रहे होंगे, उद्धव जी भी दौरे कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा कई जगह पे। अभी कोकण में थे, उसके पहले मराठवाड़ा में थे उद्धव ठाकरे, धुआंधार प्रचार हो रहा है, धुआंधार। जहां जहां गद्दार है पार्टी के, उनके सामने जाके बोल रहे कि मैं गद्दार को जमीन में गाड़ने के लिए आया हूँ। तो ये मैंने बोला ये आक्रामकता उन्होंने अभी पैठण में दिखाई, ये आक्रामकता उन्होंने कोकण में दिखाई। तो लगातार तो प्रचार कर ही रहे, लेकिन अभी तो चुनाव भी घोषित भी नहीं। लेकिन जिस हिसाब से सीट शेयरिंग का गेयरअप चल रहा है, हाँ कुछ जगह मतलब महाविकास आघाड़ी में एक स्पॉइलिंग फैक्टर है जिसका नाम संजय राउत है। वो आए दूसरे दिन सीएम ये होंगे, सीएम ये होंगे, जब शरद पवार कह चुके हैं कि अब हम चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम हम चुनाव के बाद तय करेंगे। उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा कि मेरी बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती, वो महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रहना चाहती, वो दिल्ली की राजनीति में ही सक्रियता अपनी बरकरार रखना चाहती है। बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, बोले ये सब खराब बात है। कोई बोलता है रश्मि ठाकरे को, रश्मि ठाकरे इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि रश्मि ठाकरे खुद ही उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ थी। घर में बहुत बड़ा प्रपंच हुआ जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए, और जब रश्मि को पता चला घर में भयानक डिस्कशन हुआ इस बात को, क्योंकि रश्मि जी को पता है उद्धव जी की हेल्थ कैसी है। बिल्कुल, और वो नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, इसमें बहुत लोड पड़ेगा, इसलिए वो लगातार
और ये बात और किसी ने नहीं, ये उद्धव ठाकरे, रश्मि जी और आदित्य जी, ये सब पूरा परिवार बैठा था, मैं था और एक साथ में मराठी पत्रकार और था, और उसके बीच में उन्होंने कहा, मतलब उद्धव जी हंसते हुए कहे कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने के बाद सबसे पहला तो अपोज मुझे घर पे ही मिला, पूरा वातावरण मेरे घर का बिल्कुल इतना स्टेज था कि क्यों लिया, किस लिए लिया, बहुत लोग है पार्टी में, उनको कर देते, ये किसने कहा आपको बनने के लिए, मैं बार बार शरद जी का नाम ले रहे थे और बार बार मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि अरे शरद जी ने बोल दिया, लेकिन आप मना कर सकते थे, आप उनको बताते बिल्कुल, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता कि मैंने शरद जी को कितना मना किया, फिर शरद जी ने मुझे कैसा समझाया कि आप मुख्यमंत्री बनोगे तो ही आपके अंडर अजीत पवार, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, ये सब लोग मंत्री बन सकते हैं, आप किसी भी इसके अंदर ये नहीं बनेंगे और ये महाविकास आघाड़ी बन नहीं पाएगी, अब पहले टूट जाएगी। अरे वो तो एकनाथ शिंदे का नाम उन्होंने प्रपोज किया था, तो एकनाथ शिंदे के लिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अजित पवार ने कहा कैसे चलेगा, अब अजित पवार को चल रहा है एकनाथ शिंदे, ये प्रॉब्लम है, तो वो भी नहीं बनेगी, तो कुल मिलाकर ये बार बार कहते कि भाई शिवसेना से बनेगा, जैसे ही वो बोलते हैं उधर अजित पवार के लोग कहते कि अजीत जी सबसे सीनियर है, कब तक उप मुख्यमंत्री रहेंगे, अब उनका चांस बनता है, कांग्रेस वाले कहते कि हमने क्या पाप किया, ये डायलॉग बाजी शुरू होती है संजय राउत के बोलने से, लेकिन अब हर राजनीतिक दल में हर टाइप के लोग होते हैं, हर एक को कौन कौन कितना कितना नकेल डालेगा ये तो, और उससे ज्यादा चंद्रशेखर बावनकुड़े जो है बीजेपी के अध्यक्ष, उनको कल ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारा क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का कटोरा लेके घूम रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी शरद पवार के पास, और शरद पवार ने फाइनल कर दिया है कि वो सुप्रिया सुले को ही बनाएंगे। तो हमने कहा कि चंद्रशेखर जी वो तो उधर की बात है, आप तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश आप बताओ आप किसको बनाओगे, आप तो बताओ कि आपकी तरफ से कौन नाम होगा। नहीं, आजकल बीजेपी जो है उसने सीख लिया है कांग्रेस के नाम पे ही चुनाव लड़ती है, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वहां हो, हरियाणा वाले भी बात कर ही लीजिए, हरियाणा की भी बात है। अब देखिए दो एक वीडियो आया जिसमें दो चार लड़के शैलजा के बारे में बहुत ही अपशब्द कहते, वो खूब प्रचारित किया, वो प्रसारित वायरल होने में बीजेपी का कितना हाथ था सबको पता है। उसके बाद तुरंत हुड्डा जी ने एक रैली में ये कहा कि शैलजा जी हमारी बहन है और कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने वालों को पार्टी में कोई जगह नहीं। फिर उन लड़कों को ढूंढा गया, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं, ऑफिस बर्नर तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं। लोगों का कुछ शंका ये भी है कि इनको पैसे देके तो नहीं बुलवाया गया कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए। अब ऐसे में शैलजा जी घर बैठ गई, जैसे शादी में फूफा बनता है ना, गुस्सा होता है वैसा, और इसका फायदा सारी बीजेपी ले रही है। अब खट्टर साहब का दिल टूट गया कि बहन शैलजा जी के साथ क्या कर रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेसी कभी दलितों का साथ नहीं देते। अब हमने कहा कि भाई आप शैलजा जी की चिंता मत करिए, आप अपने भतीजे को देखिए पहले। वो भतीजा उठ के भागा कांग्रेस, फिर इनकी बहुत किरकिरी हुई तो उन्होंने भतीजे को समझा के लाया, तो भतीजा बोला मैं चाय पीने गया था कांग्रेस में। अब हमने बोला बताओ, एक तरफ चाय बेच के प्रधानमंत्री बनने वाला एक शख्स है और उसके पार्टी के कद्दावर नेता का भतीजा चाय पीने कांग्रेस में जाता है। फिर अशोक तंवर नाम के एक नेता थे जो पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म करके बीजेपी में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सब आई ना। आज उस बिचारी की हालत क्या है, आज वो कहीं नहीं, विधानसभा चुनाव में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं, वो भी दलित नेता है, मुझे उसकी भी चिंता हो रही। मैंने कहा खट्टर साहब को कि जरा आप थोड़ी सी उनकी चिंता करिए, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब वो दलित है,
उनका जब मजाक उड़ाते हैं आपके पार्टी वाले, तब आपको दलितों के प्रति आपका प्रेम, जब दलित घोड़ी पे नहीं अपनी बारात निकालता तब आप चुप रहते हैं, क्योंकि आपको शैलजा के द्वारा चुनाव जीतने का एक आशा की टिमटिमाती हुई किरण दिख रही है। हरियाणा में अशोक जी जाट और दलित इकट्ठा हो गए तो 40-44% का एक ग्रुप है, और वो बीजेपी कांग्रेस को उन्होंने पिछली बार लोकसभा में भी जो श्रेय मिला है उसका इस ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। तो बीजेपी ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली डिवाइड एंड रूल का काम किया, चौटाला के एक कुनबे के साथ चंद्रशेखर को जोड़ा, चौटाला के दूसरे कुनबे के साथ मायावती जी को जोड़ा, और दलित वोट स्प्लिट करने का प्रयास किया जाट और दलित। लेकिन अभी इस बार हो क्या रहा है, इस बार ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ना चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, ना दलित मायावती लड़ रही है, ना चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, इस बार हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ऐसे हथकंडे जो है वो यूज नहीं होते। अब उनको लगा कि एक विक्टिम का कार्ड यदि शैलजा का खेला जाए तो दलित वोट अपने साथ देंगे। अब ये समय है, देखिए थाली परोसी हुई, कांग्रेस की सरकार आना तय है। ऐसे में शैलजा पूरे टाइम यदि घर बैठी रही तो कल सरकार बनने के टाइम पे कोई भी दावा करने में वो अक्षम रहेगी, क्योंकि चुनाव में तो आपने पार्ट भी नहीं लिया, घर बैठी रही, प्रचार भी नहीं किया, और किस अधिकार से आ रही है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इस बार शैलजा जी को पूरे ताकत से उतरना चाहिए, और कहना था कुछ मुझे गाली दे, मुझे कोई अपशब्द कहे, उसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनके पिता की एक विरासत है, उनका अपना एक वलय है, सुलझी हुई नेता है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वो अपने सोच से ज्यादा सुरजेवाला की सोच से काम करते हैं। अब रणदीप सुरजेवाला जो है वो एक पैर बीजेपी में और एक पैर कांग्रेस में रखता है, और वो अपनी जितनी भी कुंठा है राजनीति की वो शैलजा के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। तो मुझे लगता है कि शैलजा जी ने अपने विवेक से काम लेना चाहिए और ताकत से उतर लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस किसी की एक की बपोती नहीं, ना हरियाणा का राजनीति में कोई एक परिवार काम करेगा। तो घर बैठ के प्रचार पे न जाना ये विपक्ष के हाथ में टूल देना है। दूसरा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है वो आनंद को हो रहा है, मायावती जी के भतीजे हैं, लेकिन उनके बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मायावती जी ने उनको बीजेपी के खिलाफ उग्रतापूर्वक भाषण देने के लिए या भाजपा का विरोध करने के लिए पद से हटा दिया था, और कारण दिया था कि मैच्योर नहीं उस पद के लिए। अब 4 महीने में ऐसी कौन सी दवाई खिला दी कि मैच्योर होकर हरियाणा में आ गया। पहले आनंद अपनी चिंता करे, जो आदमी अपने ऊपर अन्याय होने के बाद चुप रहता है, मायावती जी ने पद से निकाल दिया, वो चुप हो गए, तभी ललकार देना चाहिए था, बुआ जी आपकी मजबूरी हो सकती है बीजेपी मेरी नहीं, मैं काशीराम जी की राजनीति करूंगा, काशीराम जी की विरासत चलाऊंगा, मैं तो लड़ूंगा। जो आदमी अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं सकता वो शैलजा जी के लिए लड़ने की बात करता है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती। जिसकी पार्टी का एक सांसद नहीं है वो एक चुनी हुई सांसद से और कांग्रेस की बड़ी नेता से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई हरियाणा की बात। अब आते हैं राष्ट्रद्रोह पर। राष्ट्रद्रोही नंबर वन, नंबर ये जो राष्ट्रद्रोही जिसने कहा 4 PM के जो संजय शर्मा है, यदि वो आज जिस पोजीशन पे है उसके लिए मैं जनता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वो पाप मैंने भी किया। वो जब एक विनंगर निकालते थे, मेरी दोस्ती हो गई, मतलब मेरी सब, मैं उनसे मिला तो उनके बातों से लगा कि ये युवक बहुत कुछ करना चाहता है, और जब उनके खिलाफ कोई बात कोई पत्रकार बोलता तो मुझे ये बताया जाता था कि लखनऊ में पत्रकारिता में बहुत राजनीति चलती है, बहुत एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। फिर मैं उनके घर गया, परिवार से मिला, खाना खाया, उनकी पत्नी भी चतुर्वेदी है, मेरी पत्नी भी चतुर्वेदी, तो उन्होंने कहा देखो अशोक जी हम दोनों साड़ू हो गए, ये दोनों बहनें हो, ऐसे घर के संबंध बना लिए गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक YouTube चैनल
मेरा शुरू करना है। मैंने करो, लेकिन भाई साहब आप चाहिए, मतलब मैं रोज रहूंगा। अशोक जी आप मानोगे नहीं, 6 महीने मैं रोज उस चैनल पे रोज शो में रहता था। अरे मैं नहीं जानता था। और वो चैनल चल गया। चलने के बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे कईयों ने कहा कि यार ये पत्रकार नहीं, ये दलाली करता है, बहुत सारे लांछन लगाते थे, लेकिन मैं निग्लेक्ट करता था। मुझे लगा ये लड़का अच्छा कर रहा है तो अब इसके खिलाफ लोग बोलना शुरू होता भी ऐसा। पहली खुशबुजाहट मुझे कांग्रेस पार्टी से आ गई, क्योंकि हमारी पत्नी भी पत्रकार है तो कांग्रेस को वर्क करती है। उन्हें किसी ने कह दिया कि कुछ गड़बड़ है, शायद सर जी के नाम से कुछ पैसे का लेन देन हुआ है। तो हमारी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं, हमारे पति इसमें से बिल्कुल नहीं। और जब सब लोग अशोक वानखेड़े को कांग्रेस में जानते हैं, कोई तीसरा आदमी कैसे आएगा। उस दिन से मैं अशोक जी बहुत कॉशियस हो गया और मैं अवॉइड करने लगा कि नहीं जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, तो इसलिए मैं उनको बोल भी नहीं सकता था कि भाई ऐसा है बात। लेकिन वो भी समझ गया कि कुछ ना कुछ बात तो समझ में आ गई है। फिर एक दिन उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का शो करता था, वो मेरे पास आया। उन्हें कहा अशोक जी बड़ा संकट में हूँ। मैंने क्या हो गया, बोला हमको ये बोला गया है कि आप अडानी के बारे में एक शब्द नहीं कहोगे, हमारी अडानी जी से दोस्ती होगी। मैंने बोला बोले ठीक है आपके शो पे नहीं कहेंगे। उसके बाद बोला मैं एक दूसरे के शो पे था यूट्यूब के, वहां मेरा नाम लिखा गया था, नीचे 4 PM लिखा गया था, क्योंकि मैं संलग्न था 4 PM से। फिर मुझे फोन आया कि आप यार आपके नाम के नीचे 4 PM लिखते हो और अडानी के खिलाफ बोलते हो, आप किसी दूसरे पोर्टल पे भी अडानी के खिलाफ नहीं बोलोगे। फिर मैंने कहा बोले फिर मैं नमस्ते करता हूँ आपको, मैं मेरा शो बंद कर देता हूँ, मैं ऐसा किसी का गुलाम नहीं बन सकता। अभी वो मयूर जानी करके है जो राजस्थान गुजरात में 4 PM संभालते थे, उनका मुझे फोन आया। उन्हें कहा अशोक जी हम तो राष्ट्रद्रोही हो गए, हमने भी अडानी के बारे में बोला था। अच्छा मयूर जानी को मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि मैं गुजरात में रहा हूँ, गुजरात में काफी संपर्क है, तो मयूर जानी को जानता हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत तेज तर्रार, बहुत ईमानदार और बहुत गहरे से पत्रकारिता करने वाले वो व्यक्ति हैं। नहीं तो उन्होंने क्या किया मयूर जानी ने, उन्होंने संजय शर्मा के वीडियो का काउंटर करते हुए एक वीडियो बनाया। अच्छा अच्छा, कि आपने कैसे झूठे तथ्य सपरों से, और उनको भेज दिया और उनको कहा कि आप इसको चलाइएगा, और आप नहीं चलाओगे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि हमारी और आपकी नमस्ते होगी। सवाल ही नहीं उठता चलाने का। तो कुल मिलाकर मेरा देखिए अशोक जी, यह हर एक का व्यक्तिगत मामला है। आप किससे क्या डील लेते हो, आप किससे कितना पैसा लेते हो, आपको वो बहुत अच्छा लगते हैं, आपको कोई और फेवर किया जाता है क्या। कुछ लोगों का खाने का शौक होता है, कुछ लोगों का आईएचसी का शौक होता है, कईयों के कई शौक होते हैं। तो आपका कौन सा शौक किसने पूरा किया, ये मैं भी नहीं इस पर चर्चा करना चाहता। आप जाइए, आप बिक जाइए, आप किसी के अंदर जाके नृत्य करिए। कई लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी के लिए दिन रात वीडियो करते हैं, हमने तो कभी उनको एक नाम भी नहीं लिया। सवाल ही नहीं उठता। उनका सोच है, उनका विचार है, उनकी लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम वो आगे हमको राष्ट्रद्रोही कहेंगे तो फिर जवाब देना होगा। बिल्कुल। मैं खुल के तब से बोलने लगा जब उसने कहा कि अडानी विकास का दूसरा नाम है, अडानी के खिलाफ बोलने वाले राष्ट्रद्रोही है क्योंकि देश का विकास होने नहीं देना चाहते। तो फिर हमने कहा कि अब आईना दिखाने की जरूरत है, पत्रकारिता के नाम पे दलाली कौन कर रहा है, सरकार के ठेके, सरकार की स्टेशनरी छापने के ठेके कौन ले रहा था, उगाई कौन कर रहा था, ये समय आ गया है बताने का। क्या किसी के बेटे को अडानी क्या नौकरी मिलने के बाद वो अडानी की माला जपने लगेगा। सवाल ये, इस पे बहुत विस्तार नहीं देते हैं क्योंकि बुरा लग रहा है, सुन के बुरा लग रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ अशोक जी, एक सेकंड बस दे दीजिए मुझे। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं,
तो हम बेवकूफ हैं बेसिकली। हाँ। देखिए समय दूसरा आ गया है। एक समय था कि अशोक वानखेड़े किसी अखबार में काम करते हैं, देश में 5 अखबार निकलते हैं, उनके अखबार का एक अच्छा खासा साख है, तो उन्होंने कुछ लिख दिया तो वो लिख दिया, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये होता था, चिट्ठियां विट्ठियां आती थी, कोई नहीं पूछता था, 2 चैनल 4 चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन जब अकेला चैनल था तो वो किस तरह से एजेंडा चलाता, तो सबका चलाया, इंदिरा गांधी जी क्यों इतना सारा दूरदर्शन लेके आई, कैसे उनका एजेंडा चलता था, हमने भी देखा है आपने भी देखा है वो समय, लेकिन अब निकल गया। बहुत साफ बात कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरा दर्शक सुन रहा है, लेकिन वो मेरा बंधुआ गुलाम नहीं है। मैं ये सारे मित्रों को बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये समझते हैं कि वो बंधुआ गुलाम है, तो जैसे उसके हाथ में रिमोट आया था कि आज तक को बदल के एनडीटीवी कर दो, एनडीटीवी को बदल के फला कर दो और न्यूज चैनलों का सत्यानाश हो गया था, वैसे अब उसके हाथ में जो मोबाइल है उसको 10 सेकंड लगता है एक गाली देकर दूसरे वीडियो पर चले जाने पर। अगर हम लोगों को कुछ लोग सुन रहे हैं तो वो इसलिए कि वो हम पे भरोसा करते हैं, और अगर हम ये भरोसा तोड़ देंगे तो यकीन जानिए कि उन्होंने ही हमें हीरो बनाया है। कौन अशोक वानखेड़े, कौन अशोक पांडे, कोई कुछ नहीं, सड़क पर चलने वाले आम लोग बात कर रहे हैं, जनता सुन रही है, इसलिए हम हीरो बन जाते हैं। वही जनता जिस दिन चाहेगी अशोक भाई, उस दिन वो आगे पटकेगी कि हम देखेंगे दिखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है कि आम पत्रकार, दूसरी बात है, देखिए यदि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एक 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 लाइन सर और बोल लूं फिर आपको ही देखे, आप ही से बात खत्म होगी आज। दूसरी बात ये कि एक पार्टी तो है ही देशभक्त और देशद्रोह का तमगा देने के लिए, एक कोर्ट है हमारे पास जहां फैसला होता है, पत्रकारों को चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो, किसी को देशद्रोही वगैरह कहने की ना कोई हैसियत है और ना उसका कोई मतलब है। अगर मैं यहां बैठकर अपने अलावा सारे लोगों को देशद्रोही कहूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मूर्ख हूं और इसके अलावा कुछ नहीं हूं, और मूर्खता बहुत दिन तक चलती नहीं है, जो चलता है उसके बारे में अशोक जी बताएं। जी दूसरी बात है जो मैं कहता हूं, यदि हमको पैसा ही चाहिए, बाकी सुख चाहिए, तो किसने कहा था ऐसी पत्रकारिता करने को? आप तो अच्छा खासा जॉब छोड़ के आए हैं, आप तो ऐसे जॉब में अच्छा घर मिलता, अच्छी तनख्वाह मिलती, क्या चिंता, क्या लफड़ा करने की जरूरत थी? लेकिन आपको लगता है कि यदि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो कुछ समाज के प्रति अपना दायित्व है, वो कब पूरा करेंगे? वो करने के लिए उतरता है आदमी। और अशोक जी सामान्य जीवन जीने के लिए यहां से भी पैसा मिल जाता है। मैंने क्या कहा, आपकी जरूरत चल रही है, मैंने क्या कहा, जरूरतें जितनी है उतना मिलता है। जरूरत मुझे चार्टर्ड में नहीं घूमना है, मुझे सी फेसिंग बेंगलोर में रातें नहीं गुजारनी, क्योंकि वो करने के लिए मुझे फिर पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। और जिस दिन मुझे वो बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, मैं दर्शकों के सामने ये चैलेंज देके कहता हूं, फिर अशोक वानखेड़े पत्रकारिता में एक मिनट नहीं रहेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, बाकी कुछ काम करूंगा जो आता होगा मुझे। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जो भगवान को बेचते हैं, कोई डॉक्टर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके मरीजों को लूटता है, एक सैनिक देश के साथ विश्वासघात करके शत्रुओं को मदद करता है, और एक पत्रकार सच्चाई छुपा के झूठ परोसता है, ये सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं, उतना ही बड़ा राष्ट्रद्रोह और विद्रोह, क्योंकि समाज का आप पे विश्वास है। एक छोटी कहानी है, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। कहते हैं कि युद्ध में मारे जाने के बाद, भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद भी मोक्ष मिलता है, लेकिन रावण को जब मोक्ष नहीं मिला तो इसमें बहुत चर्चा हुई उस समय कि रावण ने ऐसा कौन सा पाप किया जो अक्षम्य है। पार्वती ने कहा कि शिव जी को आपके भक्त है, तो बोले हाँ आदमी गलतियां करता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी है कि जो अक्षम्य है। तो बोले रावण ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो अक्षम्य है? आपकी पूजा की, हाँ लड़े, वो शत्रु थे राम, लड़े भाई, राजा किसी के पत्नी को भगा के लाए तो कोई इतना बड़ा पाप तो नहीं होगा ना, उस समय ये शायद प्रचलन होगा, नॉर्मल चीज थी। उनने कहा नहीं, उनने जो पाप किया वो सुनो पार्वती जी, उन्होंने सीता का अपहरण किया होता तो बात अलग थी, उन्होंने साधु के भेष में सीता का अपहरण किया। yes. और साधु का भेष पहन के जो पाप आपने किया, उस भगवे को कलंकित किया, उस प्रोफेशन को अपनी इतना कलंकित किया कि आने वाला समय साधुओं पे भी विश्वास नहीं रखेगा। ये जो पाप किया है ये अक्षम्य है, आप दलाली करिए, खुल के दलाली करिए,
गोदी चैनल बने हैं, आपको कौन रोकता है? लेकिन आप शेर का चमड़ा लेके, लोमड़ी कितना भी शेर बनने का प्रयास करे, चमड़ा उतर जाए। वो विश्वासघात जो दर्शकों के साथ किया, वो अक्षम्य अपराध है, ऐसा मुझे लगता है। यही मैं बात खत्म करता हूं अपने दर्शकों से बिल्कुल सीधे कहते हुए कि कभी हम जरा भी आपको भटकते हुए नजर आए तो हमारी कॉलर पकड़िए, कॉलर पकड़ कान पकड़िए, सुनो तुम हीरो नहीं हो, तुम इसलिए यहां पर हो क्योंकि हम तुम्हें देखते हैं। और सच्चाई यही है कि हम यहां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप हम पे भरोसा करते हैं। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन हमारी चवन्नी की औकात नहीं बचेगी, ये हम जानते हैं। और शायद हमारा दिल ये तब, जैसे अशोक जी ने कहा कि तब हम कोई और काम करना चाहेंगे बजाय सच कई सच का नाटक करते हुए झूठ बोलने की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।